आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर इजराइल के तगड़े हमलों के बीच मुस्लिम देशों बनाम अन्य के बीच बटी दुनिया के बीच तीसरे विश्व युद्ध के मंडराते बादलों के बीच और एटमिक जंग की धमकियों और चेतावनियों के बीच क्या शांति की कोई उम्मीद दिखती है? क्या इजराइल के बारूदी गुस्से को शांत करने की कोई राह निकलती है? क्या आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के मंच पर कोई बुलंद आवाज सुनाई देती है? ग्लोबल लेवल पर वो कौन सा किरदार है जिसका शांति वचन ही उसका असरदार हथियार है? जवाब है भारत, और किरदार है पीएम मोदी। मोदी की पॉलिटिकल लाइन चाहे देश के भीतर हो या दुनिया के मंच पर बेहद साफ, सटीक और सुलझी हुई है। आतंकवाद के खिलाफ मानवता और शांति के पक्ष में, लेकिन युद्ध के विरुद्ध। और यही वजह है कि अमेरिका से लेकर ईरान तक और इंग्लैंड से लेकर यूएई तक को भरोसा है कि इजराइल हमास की जंग को अगर कोई खत्म करा सकता है तो वो है पीएम मोदी। और सच ये है कि मोदी का मिशन ग्लोबल शांति पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। इजराइल हमास जंग को शांत करने की दिशा में मोदी लगातार संवाद साध रहे हैं। बीते दो हफ्तों के भीतर पीएम मोदी ने इजराइल हमास जंग के बीच और शांति की पहल को लेकर अहम बातचीत की है। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से बात की थी। इसके ठीक चौथे दिन 28 अक्टूबर को मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति आब्देल फताह अल सीसी से बात की। 3 नवंबर को यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मोदी की बात हुई, और इसी दिन ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी इजराइल हमास युद्ध में शांति के रास्ते पर चर्चा हुई। इजराइल हमास युद्ध खत्म हो और शांति के रास्ते खुलें, इसे लेकर पीएम मोदी चौतरफा प्रयास शुरू कर चुके हैं। इस सिलसिले में पीएम मोदी ने जॉर्डन, मिस्र, यूएई और यूके के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात की। दुनिया भी उम्मीद मोदी से है, क्योंकि मोदी मित्रता और पारदर्शिता की लाइन पर बेहद खरे साबित हुए हैं। बात उसी भरोसे की है और मोदी पर भरोसा उनके मित्र और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ईरान तक को है। वो ये कि मोदी इजराइल हमास जंग में शांति की पहल की एक बेहद असरदार और अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि चाहे आतंकवाद हो या शांति को लेकर प्रयास, मोदी ने हर बार अपनी बात ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बिना किसी लाग लपेट के रखी है। फिर चाहे वो रूस यूक्रेन जंग हो या इजराइल हमास युद्ध, मोदी की लाइन मानवता के पक्ष की लाइन रही है, शांति के पक्ष की लाइन रही है। वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन। Since it involves major powers, the outcomes are severe. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. यही वजह है कि इजराइल हमास जंग में शांति की राह निकालने का कोई रास्ता दिखता है तो वो उम्मीदों भरा रास्ता पीएम मोदी की शांति और मानवता की पक्षधरता का रास्ता है। ईरान भी भारत की भूमिका को बेहद अहम मानता है। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही कहते हैं, वैश्विक मंच पर भारत हमेशा से नैतिकता और मानवता का एक मजबूत गढ़ रहा है। फिलिस्तीन पर महात्मा गांधी की शिक्षाओं और उनके प्रेरक शब्दों का अमिट प्रभाव सभी की सामूहिक स्मृति में अंकित है। फिलिस्तीन की संप्रभुता को लेकर पीएम मोदी भारत का पक्ष पहले ही रख चुके हैं, जो फिलिस्तीन के हक में है।
लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी दुनिया और हमास के बर्बर आतंकी हमले के बाद इसराइल के क्रोध में झुलसते गाजा में शांति कायम करने को लेकर देश के भीतर भी पीएम मोदी से मुस्लिम धर्मगुरु उम्मीदें बांधते हैं कि इंडिया अपना रियल जो जिम्मेदारी है, हकीकी जिम्मेदारी है, रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इंडिया उसको अदा करता। आज भी हम ये उम्मीद करते हैं इंडिया अदा करेगा, अभी भी टाइम है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ट्वीट आया, मोदी पर भरोसे की वजह है पीएम मोदी का क्रिस्टल क्लियर नजरिया, जो ब्लैक एंड व्हाइट में तथ्यों को देखता है, जिसमें कुछ बातें शीशे की तरह साफ हैं, और किसी भी सूरत में मोदी अपनी इन शर्तों पर समझौता नहीं करते। मोदी के पांच सूत्र शांति के हक में खड़े दिखते हैं। ये है युद्ध के बजाय संवाद से रास्ते की खोज, लेकिन अगर युद्ध छेड़ा तो फिर दमदार जवाब। पर इस सब में सबसे अहम है समस्या का शांतिपूर्ण समाधान खोजना, लेकिन आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं और आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन। रेडिकलिज्म एंड टेररिज्म स्टिल रिमेन ए प्रेसिंग डेंजर फॉर द होल वर्ल्ड। दीज आइडियोलॉजीज कीप टेकिंग न्यू आइडेंटिटी and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. अगर देखें तो ग्लोबल शांति और राष्ट्र की संपन्नता के हक में पीएम मोदी दो युद्ध लड़ रहे हैं। एक युद्ध अशांति और आतंकवाद के पक्ष में खड़े लोगों के खिलाफ है, तो दूसरा युद्ध देश के भीतर करप्शन के खिलाफ। मोदी ग्लोबल शांति और मानवता के पक्ष में खड़े होते हैं, तो वहीं राष्ट्र की संपन्नता के लिए विकास पर फोकस करते हैं। मोदी आतंकवाद के विरुद्ध बोलते हैं, तो देश के भीतर करप्शन के खिलाफ मुहिम छेड़ते हैं। ग्लोबल शांति के लिए आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन की बात करते हैं, तो देश के भीतर राष्ट्र की संपन्नता के लिए भ्रष्टाचारियों पर नकीर कसते हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे इस मिजाज के साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा, तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। देश के भीतर करप्शन के खिलाफ मोदी के एक्शन ने विपक्षी दलों को राजनीति का नया चारा दे दिया है। विपक्ष आरोप लगाता है कि करप्शन के मामलों में राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जबकि चुनावी मंच से मोदी कहते हैं कि अगर आग नहीं है तो फिर विपक्ष की बेचैनी भरा इतना धुआं क्यों उठ रहा है। ये तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है।
विपक्ष का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई और छापेमारी राजनीतिक लकीर पर की जा रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर कार्रवाइयां बिना आधार की हैं, तो फिर घोटालों के आरोपों में फंसे चेहरों को बेल क्यों नहीं मिल रही और ईडी की पूछताछ से बचने की कोशिश क्यों है। पिछले दिनों शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी जवाब चाहती थी, सरजी ने पलटकर चिट्ठी में सवाल पूछ लिया। केजरीवाल ने पूछा, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया? ईडी ये बताया कि मैं संदिग्ध हूँ या गवाह, समन गलत है, गैर कानूनी है, नहीं आऊंगा। समन क्यों भेजा ये क्लियर नहीं। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? तो क्या जो बात बीजेपी कहती है कि मोदी के करप्शन के खिलाफ मुहिम ने सारे विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है वो सही है? क्योंकि कल तक जो करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ने का दावा करते थे और जो कथित भ्रष्ट नेताओं के नामों की लिस्ट राजनीतिक मंचों पर बांटते थे, अब उन्हीं नेताओं के साथ ईडी गठबंधन में फोटो खिंचवाते हैं। सरकार के करप्शन के खिलाफ मुहिम में दिल्ली के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर भी 2 नवंबर को ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने राजकुमार आनंद के बिजनेस से जुड़े मामले में छापेमारी की। सूत्रों की माने तो राजकुमार आनंद पर हवाला लेन देन में शामिल होने का शक है। इस छापेमारी को सीमा शुल्क मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल नैतिकता का है, फिर चाहे वो आतंकवाद को देखने और दिखाने का नजरिया हो या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन की बात। बीते 9 सालों में कम से कम पीएम मोदी ने नैतिक स्तर पर अपनी मजबूत छवि देश के भीतर और बाहर गढ़ी है। तो क्या विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती मोदी की यही छवि है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।